अभी भी सुबह आया था मुझे मारने घर पे, मेरे घर से उठाया, मैंने तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन में, मुझे मारने आया था सुबह घर पे, मैंने आपको बोला ना भाई मुझे मारने आया है। उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी पुलिस स्टेशन में लाया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी अभी अभी बातचीत हुई, उनका कहना है कि उसके साथ तफ्तीश की जाएगी, छानबीन की जाएगी, एविडेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार करना है या नहीं करना ये पुलिस डिपार्टमेंट कुछ देर बाद फैसला लेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस के समक्ष है, पुलिस के सामने बैठा हुआ है और अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है। उस पर जो आरोप लगाए हैं राखी सावंत ने कि उसके घर से 4 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेके गई गायब हुआ था आदिल, उसके बाद आदिल ने आपने देखा होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ की भी कोशिश की राखी के साथ, लेकिन राखी ने कॉम्प्रोमाइज़ को ठुकरा दिया। अब पुलिस स्टेशन में कल सुबह जब राखी से मिलने आदिल घर पे पहुंचा, सेनेटी कॉम्प्लेक्स आप लोग जानते हैं, तो आदिल को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और इस ओशिवारा पुलिस स्टेशन में लेके आई, जहां पर मामला उस पर दर्ज किया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उस पर ये भी आरोप है कि उसने किसी और लड़की के चक्कर में आके राखी को धोखा दिया, यानी उसके सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उसको मानसिक प्रेरणा भी दी। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि आदिल ने जो गुनाह किए हैं उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ ही देर में पुलिस हमें ये बताएगी कि आदिल दुरानी को अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या स्टेटमेंट लेके छोड़ दिया जाएगा, ये कुछ देर में साफ होगा। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है। हालांकि कानून के नज़र में ये धाराएं इतनी सीरियस नहीं हैं, मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा क्रिमिनल बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है, आदिल को उस पर बेल भी मिल सकती है आसानी से। लेकिन जो कानून सलाहकार हमें बता रहे हैं कि ये चारों धाराएं पुलिस ने जो लगाई है ये स्ट्रॉन्ग धाराएं नहीं हैं आदिल के खिलाफ। आदिल को फिलहाल स्टेटमेंट लिया जाएगा, पुलिस तय करेगी कि उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना, ये पुलिस के डिपार्टमेंट के हाथ में है। मुझे कहते मुझे 1-2 मिनट के लिए मिलना है, मैंने कहा क्यों, बोलता मिलना है, मैंने क्यों, मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है। कल रात को भी आप लोगों ने गलत न्यूज़ चलाया पैचअप का, कोई पैचअप नहीं था वो, मैं खाना खा रही थी आप लोगों के सबके सामने और आप लोग उधर पहुंचे थे, वो पीछे पहुँच गया था ना, आपने हाथों से भी अपना खाना खिलाया आपने। तो क्या हुआ, अरे है तो पति अभी भी टेक्निकली यार, सुधर जाए ना, नहीं है सुधर जाए, हाथों से खाना खिलाया तो क्या हुआ, हाथों से खाना खिलाने से पैचअप नहीं होता, वो सारे दर्द, मेरी माँ वापस नहीं आएगी। अब आगे एक्शन क्या होगा आपका, अभी है यहाँ पे FIR मैंने कराई है, सीधी उठ के, अरे इंसान सुबह आता है घर में धमकियाँ देता है, मारने पे आता है सुबह घर में भी, अभी भी आए मारने पे आए, मैं डर गई, तुमने मेरी मीडिया में बदनामी कर दी, ये कहते तुमने कुरान वाला भेज दिया, मैंने पुरानी बाइट है, कल सुबह कहाँ गया, सुबह घर पे तो आया नहीं, सवाल ही उठता नहीं, 3 दिन से आया नहीं है, झूठ बोल रहा है वो, उसके 4-5 दिन पुराना है, 4-5 दिन पुराना, 4-5 दिन पुराना, नहीं मैं पहले अंदर जाके, अंदर जाने तो पहले पहले राकेश को अंदर जाओ, जाओ जाओ भाई, राकेश जाइए।